वृंदावन कुंभ क्षेत्र में पौधों को वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और अभी भी एक अभियान चला करके उस पूरे क्षेत्र में हरियाली के लिए वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। पहले से भी पेड़ लगे हुए हैं लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ अनधिकृत रूप से जानवरों को ले जाकर चराने का काम किया जाता है, पेड़ों को लगातार क्षति पहुँचाई है। कई बार इन लोगों को मना भी किया गया है, पहले भी कार्यवाही की गई, एक दो बार इनके जानवरों को पकड़ के गौशाला भेजा गया लेकिन उसके बाद भी ये लोग उससे मान नहीं रहे और लगातार उसको ले जाके वहाँ पे जानवरों को छोड़ देते हैं और जानवर सभी पेड़ों को चर जाते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो 3-4 दिन पूर्व फिर इस तरीके से भी काफ़ी वहाँ पे जानवर गाय भैंसियों वगैरह लोगों द्वारा चराई जा रही थी तो उसमें से जो भी जानवर वहाँ पे चर रहे थे भैंसियों को पकड़ के गौशाला भेजा गया और एक व्यक्ति के खिलाफ संभवतः लाखन सिंह नाम था, उनके विरुद्ध जो है थाने में प्रदूषण का रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब इस संबंध में तो पहले गौचारण क्षेत्र था या नहीं, इस संबंध में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ क्योंकि अभिलेखों के देख करके ही मैं बता पाऊंगा कि उसमें क्या उसकी स्थिति थी। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर आप वहाँ जाएंगे भ्रमण करेंगे तो वहाँ देखेंगे पूरे क्षेत्र में प्लांटेशन का काम किया जा रहा है। कुछ पेड़ काफ़ी 4-5 फीट के भी हो चुके हैं जो काफ़ी हरे भरे हैं और वहाँ पर अभी भी जहाँ बीच बीच में सूख गए हैं उसमें वृक्षारोपण अभी भी किया जा रहा है। तो ऐसे में उन पेड़ों को क्षति पहुंचाई जा रही थी लेकिन रहा वो गौचारण क्षेत्र था, इस संबंध में थोड़ा सा अभिलेखों को देख करके क्या इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं बता सकता नुकसान कितना अनुमानित है क्योंकि पेड़ों को क्षति पहुंचाई जा रही थी, तोड़े जा रहे थे या खा लिया जा रहा था और जानवर मुझे लगता 5 या 6 हैं, जैक में पूछ करके बता पाऊंगा, 5 या 6 भैंसे हैं, भैंस और बच्चा मिला करके 3 या 4 दिन हुआ है इसके।